बुध मेष राशि में 10 मई को गोचर करने वाले हैं, इससे किन राशियों के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है? हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। 10 मई से बुध जो है वह मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और वहाँ पहले से ही सूर्य विराजमान है, तो सूर्य और बुध का एक साथ रहना बुधादित्य योग, बुधादित्य राज योग बनता है, और बुधादित्य राग योग जब बनता है तो उससे राशियों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। दोनों की जुति तीन राशि वालों के भाग्य को चमकाएगी, तीन राशि वाले की किस्मत में एकदम बदलाव हो जाएगा। तीन राशि वाले हैं कर्क, धनु और मकर, ये तीन राशि वालों के ऊपर बुधादित्य योग का प्रभाव विशेष रूप से रहेगा, जिससे धन लाभ के साथ साथ संतान की भी प्राप्ति होने का योग है। और जिन लड़कों की शादी में रुकावट हो रही है, जिसके सूर्य कमजोर हैं, वह सूर्य मजबूत होकर के उन लड़कों की शादी में जो रुकावट है वह व्यवधान जो है वह समाप्त करके शादी की ओर ले जाएगा, जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही है। और बुधादित्य सूर्य और बुध की ज्योति से ये तीन राशि वालों के ऊपर सूर्य भगवान की कृपा से शरीर में निरोगता होगी। यदि वह बीमार रहते हैं तो निश्चित रूप से वह स्वस्थ हो जाएंगे।